वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवीना ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है गाइस। और आज हम आपको ले चलते हैं लेंद्रा, जहां राधा अष्टमी का मेला हो रहा है। और सबसे पहले हम महानदी से गुजरते हुए वहां जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में कि अभी जो महानदी में कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, और ये अभी इस नदी में बाढ़ आया हुआ है, ठीक है। तो ये जितने इस गाँव के आस पास जितने भी गाँव हैं वे पूरा डूब गए हैं, ठीक है। उनके घरों तक पानी पहुंच गई है, इतना ज़्यादा अभी इसमें पानी भरा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जब गर्मी का माह था उस समय इस नदी में पानी नहीं था, पूरा सूखा था। तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, और शानदार नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है गाइस, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। और देख सकते हैं ये जो जितने भी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये सब किसानों के खेत में पानी घुस आया है, और उनका जो फसल लगाए हैं, जो धान का फसल लगाते हैं, वो पूरा ख़राब हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो इनको कुछ मुआवजा शासन की ओर से मिलना चाहिए गाइस। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है इस तरीके से, जैसे बाढ़ आता है। तो ये जितने आप लोग देख रहे हैं इस सब में धान लगाया हुआ है। तो हम कुछ ही मिनट में पहुंचने वाले हैं लेंद्रा और दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग फाइनली यहां पहुंच गए हैं, और यहां देख सकते हैं किस तरीके से मेला लगा हुआ है गाइस। तो जो रायगढ़ में जन्माष्टमी मेला जिस तरीके से फेमस है, उसी प्रकार लेंद्रा का राधा अष्टमी भी यहां फेमस है। तो यहां भी बहुत दूर दराज से आते हैं, और उड़ीसा से कई लोग यहाँ इस मेला को देखने के लिए आते हैं। तो गाइस आप लोग हमारे इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, और अगर आप लोग लेंद्रा के हैं, बरम किला के हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल की घंटी ज़रूर दबाइए। और हम आपको इस पूरी मेला का वीडियो इसमें बताने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। हम आप लोगों को मंदिर का भी नज़ारा दिखाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। कैसे गा लिया था इसका कौन देगा, बाबू लगा था सामान 10 रुपये। भैया ये माला मन का क्या रेट है, ये वाला जितना भी है 20 रुपये। अच्छा, और ये है 100 रुपये रुद्राक्ष है, ये कड़ा का, ये वाला कड़ा देखिए, ये पीतल है, एकदम प्योर पीतल है, प्योर पीतल है, प्योर पीतल। ये कितने का है? 120। 120। और ये सब, ये वाला 50 रुपये, ये सब 50 रुपये। अच्छा, यही खाली एक महंगा है, क्यों पीतल है खाली ना गिर गया है, ठीक है जी, बढ़िया। तो बढ़िया बिक्री हो रहा है कि? चलो ठीक है, खिलौना वाले 50 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
ये वाला क्या रेट का है भैया? 150 रुपये सेल लगाए हुए। कैसे? क्या क्या रेट है? कटोरी लो 20 रुपये, प्लेट लो 20 रुपये, हर एक माल 20 रुपये, हर एक माल 20 रुपया, 10 का कैसे देते हो? 10 का कि पौवा? पौवा 40 है। तो दोस्तों हम लोग फाइनली मेला घूम के आ गए हैं। इसके बाद हम भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रवेश कर रहे हैं। तो हम आप लोगों को अंदर का नज़ारा इस वीडियो में बताने वाले हैं। और देख सकते हैं यहाँ निःशुल्क जूता चप्पल स्टैंड लगा हुआ था। बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर किया गया था। और जैसे आप लोग अंदर मंदिर को जैसे ही प्रवेश करेंगे, इसके बाद राइट साइड में गाइस आप लोग अपने मन पसंद के हिसाब से फ़ोटो यहां से खिंचवा सकते हैं। और यादगार का जो पल है गाइस उसको अपने फ़ोटो के माध्यम से कैद कर सकते हैं। और यहां देख सकते हैं गाइस जैसे कि रायगढ़ में मीना बाज़ार में जैसे झूला आता है, ठीक उसी प्रकार यहां भी बच्चे लोगों के लिए मनोरंजन के लिए झूला आया हुआ था। और इसके बाद हम लोग मंदिर की ओर प्रवेश करने वाले हैं। और मंदिर का थोड़ा हम बाहर से व्यू बता दे रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारे सामने श्री राम जानकी मंदिर यहाँ सामने।